लाल खस से मुतालिक, और ये दूसरी बात आपने पूछी कि रुखसती के वक्त दुल्हन को उसके जो मामा हैं वो उठा करके उसको गाड़ी में बिठाते हैं, ये सब समाज की जो बुराइयां हैं उसमें से एक है और इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और हमारे जो पढ़े लिखे तबकात हैं, दीनदार तबकात हैं, उनमें ये सब चीज़ें पाई भी नहीं जाती। इन सब चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात के ख़िलाफ़ ये सब चीज़ें हैं, इस्लाम के मिजाज के ख़िलाफ़ ये सब चीज़ें हैं और माशरे को परेशानी में और दिक्कतों में मुब्तला करने वाली ये सब चीज़ें हैं। इसलिए हमारे जो उम्मत मुस्लिमा है, हमारे मुसलमान भाई हैं, उनसे यही गुजारिश है कि शरीयत के मिजाज के मुताबिक अपनी शादी ब्याह को करें, उन रस्म रिवाज को छोड़ दें जो शरीयत से मुतसादिम होते हैं, शरीयत से टकराते हैं। जिन चीज़ों की शरीयत ने गुंजाइश दी है, शरीयत के दायरे में रह करके उन चीज़ों को पूरा किया जा सकता है, उनको शरीयत ने जिन चीज़ों को शरीयत ने मना नहीं किया है।